मैं यहां सबको बताना चाहता हूं कि मेरे ऊपर केस क्या था, ये जरा समझ जाए केस क्या था। मैंने फैसला किया कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना के मैंने इस मुल्क के अंदर सीरत नबी को प्रमोट करना है, क्योंकि हमारी अखलाकियात तबाह हो चुकी है, हमारी मोरालिटी गिर चुकी है। मोरालिटी गिरी हुई है तो इस तरह के चोर उचक्के सारे मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं, एक से एक बड़ा मुजरिम जुराइम पेशा आदमी आज मुल्क के ऊपर बैठ गया है। तो जब आपकी मुल्क की अखलाकियात खत्म होती है, मुल्क तबाह हो जाता है। मेरा अल कादर यूनिवर्सिटी का मकसद बनाने का था क्या कि इस मुल्क के अंदर एक नई लीडरशिप पैदा हो, जो कि सीरत नबी के ऊपर, जो दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर थे, उनकी क्वालिटीज आए उनके अंदर, कि वो क्या उनके अंदर क्वालिटीज थी कि उन्होंने सारी दुनिया का नक्शा बदल दिया, और क्यों अल्लाह हुक्म करता उनकी सुन्नत पे चलो। तो वो मकसद बहुत था, और फिर सूफीज्म और रूहानियत के ऊपर, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए वहां, तो ये मकसद था उसका। तो ये फैसला होता है दिसंबर में, दिसंबर 2018, ये जरा सुनते रहे। एक स्पॉन्सर आता है, वो कहता मैं बनाने के लिए तैयार हूं। आपको पता है कि इस वक्त मैं एक कैंसर हॉस्पिटल जिसका खसारा 9 अरब रुपया है हर साल का, 75% कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज देने का, पेशावर में दूसरा कैंसर हॉस्पिटल, कराची के अंदर तीसरा कैंसर हॉस्पिटल जो कि सबसे बड़ा है, जो 30 अरब रुपए का बन रहा है, नमल यूनिवर्सिटी चल रही है जो कि 1000 एकड़ के अंदर है, ये तो कोई 300 कुछ कनाल है, वो 1000 एकड़ के अंदर है, वहां भी 90% बच्चे नौजवान मुफ्त डिग्रीज ले रहे हैं। तो ये कोशिश ये थी कि यहां भी हम एक सेंटर सेटअप करें ताकि लीडरशिप निकले पाकिस्तान में जो एक सादिक और अमीन हो। तो ये मकसद था उसका। ये होता है फैसला नवंबर में। 15 मई 2019 को मैं इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करता हूं जाके एज प्राइम मिनिस्टर। ये रिकॉर्ड देख लें। केस ये कौन सा है, एनसीए का जो केस ये बात कर रहे हैं, जो कैबिनेट में आता है, वो दिसंबर में आता है, 7 महीने के बाद ये बंच रही होती है यूनिवर्सिटी, पैसा एलोकेट हो जाता है, उसके 7 महीने के बाद बनी वहां ये एनसीए का केस आता है। वो सिंपल केस है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास ये चॉइस रखी गई कि पता नहीं $170 मिलियन आ रहा है पाकिस्तान, या लेकिन उसके लिए आपको एक अग्रीमेंट हुई हुई है मलिक रियाज और एनसीए में, तो लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल है। तो अगर आप कॉन्फिडेंशियल मानते हैं तो वो पैसा आ जाता है पाकिस्तान में, अगर आप नहीं मानते तो आपको जाके वहां केस करना पड़ेगा, लिटिगेशन करनी पड़ेगी। वहीं हमें बताया गया कि $100 मिलियन हम जाया कर चुके हैं फॉरेन लिटिगेशन में, तो वो जब केस जाएगा वो कई साल चलेगा। लिहाजा हमने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में वो 170 मिलियन आता है या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान आ रहा है ना, उसके ऊपर मेरे ऊपर करप्शन केस है। ये केस कहते हैं जनाब आपने अल कादर यूनिवर्सिटी से फायदा उठाया है। अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, उसके सारे ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, वो सारे आपको पता है, बताएं किधर से फायदा उठाए, वो कोई नहीं बता रहा। ये नहीं नैब बता रही फायदा, वो कहते जी आपको कोई फायदा हो, क्योंकि आपको अल कादर बनाना था लिहाजा आपने उसको मलिक रियाज को, जब सारी कैबिनेट का फैसला था, नहीं आपने इसलिए किया है क्योंकि आपने वो अल कादर यूनिवर्सिटी बनानी थी जिसमें मुझे कोई जाती फायदा नहीं है, जिस तरह ना मुझे नमल यूनिवर्सिटी से है ना मुझे शौकत खानम से है, क्योंकि वो ट्रस्ट है, वो मेरी जाती मलकियत तो नहीं। उसके ऊपर ये सारा ड्रामा हुआ कि जी इमरान खान के ऊपर करप्शन केस हुआ, इसके ऊपर उन्होंने मुझे पकड़ा।